नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं हरतालिका तीज व्रत कथा। ये व्रत इस बार 1 सितंबर को है। तृतीया तिथि जो है क्षय है, इस बार 1 सितंबर को है। द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन है और तृतीया तिथि का क्षय हो रहा है और 1 सितंबर 2019 को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ हरतालिका व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ और यहाँ हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ संबंध तय करना चाहते हैं, तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों की बलि दे दूँगी। सखी ने धैर्य देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे वन में लेकर चलूँगी जहाँ तुम्हारे पिता श्री को आभास भी नहीं हो पाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा और इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय के घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग ना हो जाए इस चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिक्ता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजा स्थान पर आना पड़ा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुमको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुमको देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए, तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरी जाने पर नाम पड़ गया। हरी मतलब हरण करना। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको हरतालिका व्रत की कथा सुनाई, जो कि ग्रंथों में वर्णित है और जिसका उल्लेख विभिन्न प्रकार की व्रत उपवास की पुस्तकों में किया गया है और जिनका उद्देश्य प्रसारित करना है कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को इस कथा का की जानकारी मिल सके। इस प्रकार से पवित्र व्रत है और इसमें सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि बालू के शिवजी बनाकर पूजा करने चाहिए। शिव पार्वती दोनों बनाएं बालू के और उनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो स्त्रियां बालू की मूर्ति बनाकर सुंदर वस्त्रों से और केले के जो स्तंभ वगैरह बनाकर पूजा करती हैं, मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती हैं, वो अपने सभी सुखों को प्राप्त करती हैं और पति के साथ रमण करती हुई शिवलोक को प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत जो है बहुत ही उत्तम माना गया है और बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।